क्या ओशो सेक्स गुरु है? क्यों कहा जाता है उनको सेक्स गुरु? क्यों लोग उनको सेक्स गुरु के नाम से जानने लग गए? कारण है क्योंकि हमारे समाज में सेक्स के बारे में बात करना अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, बस बात करना अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सारे पंडितों ने, मौलवियों ने, पादरियों ने, सारे धर्म के ठेकेदारों ने मिलकर सेक्स को बहुत बुरी चीज़ बना दिया, बहुत बुरी चीज़, बहुत गंदी चीज़, बहुत घटिया चीज़ बना दिया, पाप बना दिया। जबकि हम ध्यान से अगर देखें तो हमारी जितनी दुनिया का बढ़ना है, जितना फल है, फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ सेक्स के साथ ही तो है। ये पंछियों का गीत गाना, मोर का नाचना, कोयल का गाना, हर चीज़ सेक्स के साथ ही तो है। इवन हर पेड़ जो फल फूल लगते हैं वो भी। अभी मैंने अपने आंगन में एक पपीते का पेड़ लगाया था, फल ही नहीं लगे। फिर मुझे किसी ने बताया कि दो होंगे तभी फल आएंगे, एक पे फल नहीं लगेंगे। फिर मैंने दूसरा पेड़ लगाया पपीते का, फिर उस पे फल लगे। ये पपीते के पेड़ वाला तो मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देख लिया, अपने घर में अपने हाथों से करके देखा कि हाँ, दो पेड़ लगाए तब फल आए। तो मतलब ये जो कायनात है सारी मानती है, जो कुदरत है वो मानती है कि हाँ, सेक्स ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार, उन्होंने इस चीज़ को इतनी गंदी, इतनी बुरी चीज़ बना दिया है, बहुत ही गलत चीज़ बना दिया है, जिसकी वजह से बहुत कुछ गलत हो गया समाज में। ये जितनी प्रोस्टिट्यूशन है ना, ये सारी भी इसी चीज़ की देन है कि इस चीज़ को इतना बुरा बना दिया कि कुछ औरतों को इतना नीचे जाकर, इतना नीचे स्तर पे जाके, नीचे गिरकर ये काम करना पड़ा कि पैसों के लिए ये काम करना पड़ा। कभी और इसके बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि जब कभी समाज में से ये सब खत्म होगा ना, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, तो ये धर्म, ये सब साथ में खत्म होगा। असल में हमारे समाज में सेक्स के बारे में बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। हाँ, बात करना अच्छा नहीं समझा जाता, करते सब हैं, सेक्स सभी करते हैं, लेकिन सेक्स की बात कोई नहीं करता। इसी वजह से तो फ्राइड ने आकर हमारा साइको एनालिसिस कर दिया। उसने बोला कि तुम्हारी तो हर चीज़ में सेक्स नज़र आ रहा है मुझे, तुम सारा दिन सेक्स के बारे में सोचते रहते हो, हर चीज़ में वो नज़र आ रहा है और सेक्स करते हो, लेकिन उसकी बात नहीं करते, उसके बारे में बात नहीं करते। और ये बात मैं भी कहती हूँ कि बिल्कुल सच है, फैक्ट है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, घर में एक बिल्कुल ऐसे एग्जांपल जिसे कोई भी रिलेट कर सकता है, जैसे बहन भाई होते हैं, बचपन से साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ बड़े होते हैं, हर एक छोटी छोटी बात वो शेयर करते हैं। बहन को इतना तक पता होता है कि मेरे भाई को दूध में मीठा कम पसंद है, मेरा भाई खीर नहीं खाता, वो कहीं गिर गया, कहाँ गिर गया, किससे लड़ाई होगी, कहाँ चोट लग गई, उसको रात को सपने में डर लग गया है ना, उसकी कौन से दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, उसको मम्मी ने जब डांट दिया तो उसको कैसा लगा है। मीन्स हर एक छोटी से छोटी बात, बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा है, उनको पता होती है। फिर वो ऐसे करते करते बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, प्यार तब भी बना रहता है, आना जाना, मिलना, बातें करना सब बना रहता है। फिर एक दिन अचानक भाई अपनी बहन को बोलता है कि दीदी खुश हो जा, तू बुआ बन गई है। बड़ी अच्छी बात है, मुबारक, बहुत खुशी की बात है बुआ बनना तो, लेकिन क्या ऐसे ही बन गई? कुछ तो किया होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ कोई बात नहीं करता, उसको ऐसे ही निकाल देते हैं आगे, बस खुशी 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 हो गया, सब कुछ हो गया, बाकी सारी बातें, शेयरिंग सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन हाँ, बस सडनली ये हो गया कि तू बुआ बन गई है। अच्छा, इसके बाद फिर सारी बातें शेयर होंगी कि तुम्हारा भतीजा भतीजी जो भी हुआ है कि देखो तुम्हारे भतीजे ने या भतीजी ने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, अब इसने चलना सीख लिया, अब इसने बोलना सीख लिया, ये शरारती हो गया या शरारती होगी। मीन सारी कुछ, मीन सारी बातें शेयर करो, लेकिन सेक्स करो बट उसकी बात मत करो। और ओशो ने क्या किया? ओशो ने सेक्स के बारे में बात की, खुल्लम खुल्ला बात की,
तो वो हो गए बुरे, तो वो हो गए सेक्स गुरु। इस वजह से लोग उनको कहने लग गए कि ये तो है जी सेक्स गुरु। लेकिन ओशो ने तो हर टॉपिक पे बात की है, हर एक टॉपिक पे ओशो ने बात की है। 650 किताबें लिखी हैं उन्होंने, मीन्स उन्होंने लिखी नहीं है, उन्होंने बोला था जो बाद में लिखा गया। मेन जो बड़ी किताबें हैं वो 650 हैं, अगर छोटी मिलाएं तो पता नहीं कितनी हैं। आप देखिए ओशो की हर एक किताब बहुत अच्छी चलती है, बिकती है, लेकिन उनमें से एक किताब है, एक किताब है जो सबसे ज्यादा बिकती है, जिसे सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। वो किताब है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, काम से राम की यात्रा। पता है मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि हमने ओशो की किताब खरीदी थी, लेकिन ओशो ने तो बड़ी चीटिंग की है कि उस पे लिखा हुआ है काम से राम की यात्रा, उस पे लिखा हुआ है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, और हमने वो किताब खरीदी, फटाफट से उस पे कवर चढ़ाया, अपने घर गए, कमरा खिड़कियां दरवाजे सब बंद किए, फटाफट पढ़ने लगे, लेकिन ओशो ने तो चीटिंग कर रखी है, उसमें तो सेक्स की बात ही नहीं है, उसमें तो सारा अध्यात्म लिख रखा है, तो फिर सेक्स क्यों लिखा किताब का नाम। तो मैंने उनको बताया कि भाई किताब का नाम सेक्स नहीं है, किताब का नाम है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, काम से राम की यात्रा। अगर आपने पूरा टॉपिक छोड़कर सिर्फ सेक्स पकड़ लिया तो इसमें ओशो का कसूर है। कौन सा टॉपिक है जिसपे ओशो ने बात नहीं की? ओशो ने तो कबीर, फरीद, नानक, मीरा, दादू, हर एक पे बोला है, कृष्ण पे बोला है इतना अच्छा, हर एक पे बोला है। जितने दुनिया में धर्म हुए हैं, जितने कल्ट हुए हैं, जितने रीति रिवाज हुए हैं, जो भी स्पेशल बात है, जितनी कोई पर्सनैलिटीज हुई हैं, हर एक के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, हर पर्सन के बारे में ओशो ने बोला है। बुक्स आई हैव लव्ड, ओशो का ये बहुत प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो जितनी फेमस दुनिया में बुक्स हुई हैं, दुनिया में जितनी फेमस, जितनी कंट्रोवर्शियल बुक्स हुई हैं, जो भी किताबें हुई हैं, वो सब उन्होंने पढ़ी। पढ़ के उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये है उस किताब की समरी, उस बुक में ये लिखा है, ये उसकी समरी है, और इस बुक के बारे में मेरे ये विचार हैं। बड़ी नॉलेज वाली बात है, हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ पर उन्होंने बात की। और ओशो ने इतनी सारी नई ध्यान विधियाँ दी हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई नहीं कहता कि वो नई नई ध्यान विधियां देने वाला गुरु। जो इतने नाजुक मुद्दों पे ओशो ने बात की है, इतनी कंट्रोवर्शियल चीजों को भी उन्होंने उठाया है, वो वाला गुरु नहीं। जो मॉडर्न मैन है, जो आधुनिक मनुष्य है, उसकी जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनकी बात करने वाला गुरु। ध्यान को एक इंसान के लिए इतना ज्यादा इजी बना देने वाला गुरु नहीं, ना ध्यान वाला गुरु, ना नई विधियों वाला गुरु, ना आसान विधियों वाला गुरु, ना मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला गुरु, नो, सेक्स गुरु। आप एक बात बताइए कि जिस गुरु ने सेक्स के बारे में बात की वो सेक्स गुरु है, या उस गुरु की सारी बातें छोड़कर सिर्फ एक सेक्स शब्द को पकड़ लेने वाले वो सेक्स चेले हैं। अच्छा एक बात बताइए, कई बार हमें कोई बताता है कि ये वाला हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जो कैंसर का शर्तिया इलाज करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैंसर देने वाला डॉक्टर या कैंसर ठीक करने वाला, कैंसर का इलाज करने वाला डॉक्टर? उसी तरह से ओशो ने सेक्स की बात की, सेक्स से ऊपर उठने के लिए ध्यान विधियां देते हुए उन्होंने सेक्स से ऊपर उठने के रास्ते बताए हैं, तो वो क्या हुए, सेक्स गुरु। ओशो ने हमें बताया है कि जितने पेंटर्स हैं, जितने शिल्पकार हैं, जितने ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, ओशो कहते हैं कि उनकी सेक्स की जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो गई है। कईयों ने मेहनत के साथ की है, कईयों को कोई वरदान है भगवान की तरफ से, कुछ पुराना, तो वो सिर्फ हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ओशो ने हमें बताया कि हम सबके पास, चाहे वो पेंटर कोई आर्टिस्ट हो, चाहे हम हों,
तो हम सबके पास जो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर, ये जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो होता है सेक्स एनर्जी। तो वो सेक्स एनर्जी उन सबकी चैनलाइज हो गई है, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, सिंगर, राइटर, इतना कुछ बन सके हैं। लेकिन हम उस एनर्जी को गंदा मानकर, बुरा मानकर या पाप मानकर वेस्ट कर रहे हैं। तो ओशो ने हमें बताया है कि ये गंदी चीज नहीं है, इस एनर्जी को आप वेस्ट मत करो, इसे आप चैनलाइज कर सकते हो। इसको आप वेस्ट करने की बजाय इसको आप ऊपर उठा सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो, इसका बेस्ट यूज कर सकते हो। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेथड्स दिए हैं उस एनर्जी को, सेक्स की उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। विज्ञान भैरव में 112 विधियां हैं, जिसमें शिव और पार्वती के वार्तालाप के रूप में वो सारी विधियां एक्सप्लेन की गई हैं। और बहुत सारे धर्मों ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनके प्रयोग करवाए हैं, ओशो ने भी करवाए हैं। ओशो का तंत्रा उसी पे बेस्ड है। उसमें वो बताते हैं कि कैसे आप उन टेक्निक्स को यूज करके, कोई शॉर्टकट मेथड हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी को ऊपर उठा सकते हैं, उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो, सेक्स से ऊपर उठ सकते हो। तो ये सारी विधियां देकर, बहुत सारे मेथड्स बताकर ओशो क्या करना चाहते हैं? ओशो ने तो हर नाजुक से नाजुक बात के बारे में बात की है। अब देखो ना, कोई भी धर्म गुरु होता है सेक्स के बारे में बात करने का पंगा ही नहीं लेता। वो कहता है कि मैं सेक्स के बारे में बात करूंगा, लोग मुझे बुरा कहेंगे, छोड़ो पंगा छोड़ो, हम इसके बारे में बात ही नहीं करते। लेकिन ओशो ने की। अब देखिए, हमारे समाज में एक नई प्रॉब्लम, एक नई बात चली है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। होता क्या है कि पति पत्नी हैं, जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई सुंदर सी युवती निकली पास से, तो इंसान जो मेल पर्सन है ना, जो पति है, सारी बातें बुतें छोड़कर उसका ध्यान उसकी तरफ हो जाता। अगर डरता होता है तो देखता नहीं है कि नहीं, मैंने उधर नहीं देखना, लेकिन ध्यान सारा उधर की तरफ। ये बुरी बात नहीं, नेचुरल है, ये ऐसा होता ही है। ठीक है, कोई माने या ना माने, हो सकता है किसी लेडी से बात करो क्योंकि नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं है, बाकियों का मुझे पता नहीं है, ओके फाइन, लेकिन ये इट्स नेचुरल। अब ओशो ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी बात की। ओशो ने बताया कि प्रेम क्या है और विवाह क्या है, और प्रेम विवाह क्या है, किस तरह से माँ बाप का बच्चों के साथ रिलेशन होना चाहिए, कैसा रिलेशन, कैसा व्यवहार होना चाहिए कि उनमें जो गैप है कम से कम हो, बच्चों की भी जिंदगी अच्छी हो, माँ बाप की जिंदगी भी अच्छी हो, हर एक चीज के बारे में उन्होंने बात की है। ओशो ने हमें बताया है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सहज, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रह सकते हैं। ओशो ने यह भी बताया कि हम किस तरह से जिए कि हमारे शरीर में या हमारे मन में कोई बीमारियां ना आए। ओशो ने बताया कि कोई भी बीमारी जो होती है किसी को, पहले उसके मन में आती है, उसके बाद वो शरीर में आती है। कई बार क्या होता है कि अचानक हमारा दिल कर जाता है कोई हमारा हाल पूछने आए, तो हम अपने आप को बीमार इमेजिन कर लेते हैं और इमेजिनेशन में उसको फील कर लेते हैं। तो होता क्या है, वहां से वो बीमारी आपके मन में, मन से आपके तन में आती है। ऐसा पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या ओशो ने बताया है। देखिए, अब हमारे समाज में एक और नई बात चली है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। बड़ी ही फेमस, बड़ा बर्निंग टॉपिक है ये, बड़ी बड़ी बात होती है इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि बच्चों को सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, वरना वो ये नॉलेज किसी गलत तरीके से, किसी गलत सोर्स से लेंगे, पता नहीं कैसे लेंगे और पता नहीं क्या गलत कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बच्चों को सेक्स नॉलेज होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, ओके, लेकिन क्या बड़ों को इसके बारे में नॉलेज है? सेक्स कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, सेक्स की एनर्जी को बाहर थ्रो कर देना, क्या ये सेक्स की नॉलेज है? नहीं, सेक्स इससे बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ऊंची चीज है, बहुत वास्ट है, जिसके बारे में हम सबको पता ही नहीं होता ज्यादा करके। अगर हम कहते हैं ना कि जीवन स्रोत, जीवन ऊर्जा, कि जी ओशो ने जीवन स्रोत के बारे में बात की, कि अच्छा बड़ी अच्छी बात की कि जीवन स्रोत मतलब सेक्स के बारे में बात की, अच्छा तो बड़ी गलत बात की।
मतलब ये सेक्स शब्द बुरा हो गया, ये बात बुरी नहीं है, ये शब्द बुरा हो गया। हम सबने मान ही लिया कि जो ये बोले वो गलत। अब ये बात करते करते ये वर्ड मैंने भी इतने बार बोल दिया, अगर आसपास में कोई सुन रहा होगा ना बाई चांस रिकॉर्ड करते हुए, तो वो यही सोचेगा कि पता नहीं क्या बात कर रही थी, कुछ गलत सी बात कर रही थी, ऐसे सेक्स सेक्स बोल रही थी, कुछ गलत बात हो रही थी। तो जीवन की शक्ति गलत नहीं है, जीवन की ऊर्जा गलत नहीं है, सिर्फ सेक्स शब्द गलत हो गया। तो असल में ओशो सेक्स गुरु नहीं, एंटी सेक्स गुरु है। जैसे वो कैंसर वाला जो डॉक्टर होता है उसको हम कैंसर देने वाला डॉक्टर नहीं बोलते, उसको हम कैंसर ठीक करने वाला, कैंसर का इलाज करने वाला डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो कैंसर का इलाज करता है। अगर हम उसको कैंसर देने वाला डॉक्टर बोल सकते हैं तो हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर हम ओशो को भी सेक्स गुरु बोल सकते हैं। ओशो ने सेक्स को शारीरिक या मानसिक बीमारी समझ के और डर डर के जीने वाले लोगों को इस चीज़ में से निकाल कर ऊपर उठाने के लिए बहुत सारी विधियाँ दी हैं, उसकी कोशिश की है। कहीं लाखों करोड़ों सालों में, सदियों में कभी कोई ऐसा गुरु होता है कि जो इतनी हिम्मत करता है कि सारी दुनिया पूरा समाज उसके खिलाफ हो जाए, वो फिर भी अपने मेथड्स के साथ और अपनी हिम्मत के साथ कुछ लोगों को इस चीज में से निकाल कर ऊपर उठा दे, उन सबका भला कर दे और सबके लिए इतने इजी मेथड्स दे दे कि आप जब चाहें इस एनर्जी से ऊपर उठ सकते हैं, इसको ऊपर उठा सकते हैं, शक्ति को यूज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी, अध्यात्म में भी, शरीर के तल पे भी, मन के तल पे भी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ओशो की दी हुई विधियों को यूज़ करके इस एनर्जी को ऊपर उठाना चाहिए और अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत आगे बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी जो मेन हमारे पास सोर्स है सेक्स एनर्जी का, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ओशो ने बहुत सारे मेथड दिए हैं। क्योंकि ओशो सेक्स गुरु नहीं, एंटी सेक्स गुरु हैं। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ज़रूर उन सारे मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, उनका जितना हो सके फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू।